नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज आर पार को की डिबेट से पहले मुझसे सोशल मीडिया पर जितने सवाल पूछे गए उतने पहले कभी नहीं पूछे गए, और मैं अपने तमाम दर्शकों को ये यकीन दिलाता हूं कि ये सभी सवाल आज मैं सरकार से पूछूंगा, क्योंकि तो देश के लिए शहीद हुए जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। उन आंसुओं का पूरा हिसाब होगा जो कायर नक्सलियों ने शहीदों के परिवारों को दिए हैं। किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने भाई और किसी ने अपना पति। कई मासूमों के सर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ चुका है। इसलिए आज हम ये सवाल पूछते हैं कि सुकमा के शहीदों का बदला आखिर कब लेगी ये सरकार, और कायर नक्सलियों पर कब होगी सर्जिकल स्ट्राइक। आज इसी बड़े मुद्दे पर और इन शहीद जवानों का बदला लेने के लिए होगा निर्णायक, जोरदार, जबरदस्त आर पार। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 25 जवानों की शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया। श्रद्धांजलि देने और दुख जताने का सिलसिला जारी है, लेकिन हम सवाल को जरा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इन शहीदों की श्रद्धांजलि तब पूरी होगी जब कायर नक्सलियों से जवानों की शहादत का बदला ले लिया जाएगा। शहीदों का परिवार भी यही मांग कर रहा है। मैं चाहती हूं जैसे हमारे परिवार का नाश उन छत्तीसगढ़ में जो बसे हुए नक्सली हैं उन्होंने किया है, ऐसा ही उनका होना चाहिए। ठीक है, हम उनका सम्मान करते हैं, मगर केवल बयानबाजी नहीं करें, थोड़ा सा इस पे गौर फरमाएं, थोड़ा ध्यान दें। नोटबंदी के बाद माना जा रहा था कि नक्सलियों की कमर टूट गई है, लेकिन सुकमा की घटना ने इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब तक जो कार्रवाई की जा रही है उसके कारण जो बौखलाहट है उनके अंदर उसी का यह परिणाम है। सीआरपीएफ जवानों पर यह हमला सुकमा के चिंता गुफा इलाके में हुआ। यहां सड़क बनाने का काम चल रहा था जिसे सुरक्षा देने के लिए सीआरपीएफ के जवान तैनात थे। इन्हीं जवानों पर 300 से ज्यादा नक्सलियों ने छिपकर हमला बोला। नक्सलियों ने अचानक जवानों पर फायरिंग शुरू की और फिर रॉकेट लॉन्चर से हमले किए, जिसका जवानों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन अब इस हमले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। मेरा तो आरोप पहले से रहा है कि मुख्यमंत्री रमन सिंह जी और उनके भाजपा के लोग वहां से उन क्षेत्रों में चुनाव जीत के आते हैं तो उनके साथ समझौता होता है, लेन देन होता है। हमें बताया गया था कि डिमोनेटाइजेशन के बाद अतिवादी संगठनों की आर्थिक तौर पर और सूचना तौर पर कमर टूट जाएगी, लेकिन अभी भी सभी संगठनों के हौसले बुलंद। सियासत अपनी जगह ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सुकमा के शहीदों का बदला कब पूरा होगा और कब होगी नक्सलियों पर सर्जिकल स्ट्राइक। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और अब नक्सलियों के आतंक का विश्लेषण सुनिए। पिछले 5 साल में नक्सली हिंसा की 5,960 घटनाएं हुई। 5 सालों में नक्सली हिंसा में 1,221 नागरिकों की मौत हुई है। 2005 से अब तक नक्सली हिंसा में 1,910 जवान शहीद हो चुके हैं। आतंकियों से भी नक्सलियों के साठगांठ के लगातार संकेत मिल रहे हैं। तो आज आर पार का विषय यही है, और मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, पवन खेड़ा है कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए, और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पॉलिटिकल एडवाइजर भी हैं। केसी त्यागी है मेरे साथ, महासचिव जेडीयू के, मेरे साथ एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष एमएस बिट्टा साहब इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ संजय सिंह जुड़ेंगे, सामाजिक विश्लेषक, और आर के मल्होत्रा होंगे रक्षा विशेषज्ञ, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। लेकिन आज की डिबेट की शुरुआत सुधांशु त्रिवेदी आपसे करता हूं, और 30 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा। नोटबंदी के बाद ये कहा जा रहा था, ये बार बार कहा जा रहा था कि अब नक्सलियों की कमर टूट गई है,
कमर टूटने के बाद भी हमारे 26 जवानों को शहीद कर जाते हैं नक्सली क्यों? देखिए ऐसा है कि ये जो नक्सलवाद की समस्या है ये बहुत पुरानी है और इसका सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, इसके साथ पॉलिटिकल एंगल भी जुड़ा हुआ है। यह स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई कि जब से हमारी सरकार आई है उसके बाद जो परिस्थितियां बदली थी उससे नक्सली अंदर अंदर बहुत बौखलाए हुए थे, क्योंकि 2015 का वर्ष पहला वर्ष था पिछले 10-12 वर्षों के बाद जिसमें नक्सली अधिक मारे गए और सुरक्षा बल के जवान कम मारे गए। 2016 में सबसे ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, 1422 ने, और 222 के लगभग वो लोग मारे गए। अब उनको यह लग रहा था नोटबंदी के बाद कि उनका आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती जा रही है। इधर सरकार ने पिछले 2 वर्षों में जो विकास के कार्य, जैसे आपने देखा यही घटना क्या हुई, सड़क बनाने को लेकर जो सुरक्षा प्रोवाइड की जा रही थी उसके ऊपर हमला किया, तो मोबाइल टावर बनाने से लेके सड़क बनाने और पुल बनाने, लेकिन उस सड़क बनाने का मैं आपको एक सड़क बनाने के पूरा का पूरा उस सड़क बनाने के विश्लेषण में भी मैं सुधांशु त्रिवेदी आऊंगा, जिसका जवाब देना आपको भारी पड़ जाएगा अब, क्योंकि आपने अपनी बात कह ली। मैं पवन खेड़ा का रुख करता हूं। पवन खेड़ा आपके बड़े सम्मानित नेता है, बड़े नेता है दिग्विजय सिंह, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के नक्सलियों के साथ लिंक है, नक्सली हमारे जवानों को मार रहे हैं और वो उसमें भी राजनीति देख रहे हैं, जोड़ रहे हैं। देखिए आप इसको राजनीति मत कहिए, उनको वो मध्य प्रदेश जो यूनाइटेड मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 10 साल तक रहे हैं, उनके पास कई सूचनाएं हैं जरूर रही होंगी, वो जो बोल रहे हैं आप उनसे पूछिए, वो शायद खुलासा भी करें, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं डिफेंड कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं वो यूनाइटेड मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें उस पूरे इलाके, इतना बड़ा बयान सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी नक्सलियों के साथ मिली हुई है, ये तो बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ा बयान है, नहीं है बयान बड़ा है, उनका जवाब सुधांशु देना, मुझको क्यों पूछ रहे हैं आप, भाजपा जवाब दे, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, अगर प्रमाण है तो लाइए, एक्सपोज करेंगे सुधांशु त्रिवेदी और उनकी पार्टी को, अगर ये नक्सलियों के साथ मिले हुए हैं, आई विल एक्सपोज भारतीय जनता पार्टी टुनाइट ऑन माय शो, इफ यू हैव सम प्रूफ्स गिव मी। अमीश जी हमने पूरी की पूरी छत्तीसगढ़ की अपना नेतृत्व खो डाला नक्सलियों के हाथ, कौन था मुख्यमंत्री, रमन सिंह जी थे, केपीएस गिल साहब जिनको रमन सिंह जी का सुरक्षा सलाहकार बनाया गया, उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या बोला कि रमन सिंह जी के पास जब वो पूरा खाका लेकर गए तो रमन सिंह जी बोले कि वेतन लो मौज करो, ये 4 वर्ड्स बोले रमन सिंह जी अपने सुरक्षा सलाहकार केपीएस गिल को, जिन्होंने बिट्टा जी भी शायद इसमें सर्टिफाई करेंगे कि पंजाब में उनका कुछ तो रोल रहा ही होगा। अच्छा ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री कहता है कि वेतन लो मौज करो, ये मानसिकता दर्शाती है आप लोगों की। इसमें मैं राजनीति नहीं करना चाहता सुधांशु जी, ये एक देश के आगे समस्या है, राजनीति तो आपने कर दी, बात ऐसी निकली तो मुझे इसका जवाब देना पड़ा, ये समस्या हम सबके लिए है, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, एक बार तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, एक बार तो हमें इन्वॉल्व करिए, हम लोगों ने भी इसमें काम किया होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वायास रेड्डी ने पूरा नक्सलवाद समाप्त कैसे किया, हमसे सीख लीजिए, बात तो करिए, अरे देश की समस्या है, कोई बीजेपी की समस्या नहीं है, हम आपके साथ मिलकर लड़ने को तैयार हैं, लेकिन आप तो पता नहीं किस घोड़े पे सवार हैं, कभी ट्रिपल तलाक, कभी अजान, कभी कुछ, कभी, अरे असली मुद्दों पर तो आइए, ये है असली मुद्दे देश के सामने, इन पर तो कुछ करिए, हम आपके साथ आने को तैयार हैं। जवाब जवाब सुधांशु त्रिवेदी। देखिए पवन खेड़ा जी, दिग्विजय सिंह जी के जहां तक बयान की बात है तो ओसामा जी और हाफिज साहब से लेके 26/11 वाज एन आरएसएस कॉन्स्पिरेसी, आप जैसी बात करना चाहते हैं तो चलिए उसी पे बहस कर लेते हैं, आप नक्सलियों पर बात करिए, जो मैंने जवाब, जो मैंने सवाल उठाया उन पे जवाब दीजिए, पहले आप पवन दिग्विजय सिंह जी से आप अलग बात कर लीजिएगा, कंटिन्यूअस बोला है पवन खेड़ा जी, ये बात सही नहीं है, तो आप दिग्विजय सिंह जी से अलग बात कर लीजिए ना, क्यों बहस को आप ओसामा की तरफ ले जा रहे हैं, नहीं कर रहा था मर्यादा का परिचय दिया, आप इसी मुद्दे पर रहिए तो असली मर्यादा होगी। और दूसरी बात मुद्दे पर हूं, 2004 यूपीए 1 की सरकार जब वामपंथियों का समर्थन आपने लिया उसके बाद ही तो तमाम ये नक्सली नेता छोड़े गए, हैदराबाद में पहली बार उन्होंने खुलेआम सशस्त्र रैलियां की और आपने उसके बाद ही समस्या को दोबारा जन्म दिया, और जो आपने फिर आप बात नहीं है रहिए साहब, ये तरीका ठीक नहीं है, बढ़िया इनकी आवाज कम करिए, मैं भी आपको इतिहास बता देता हूं, कब तक आपने वामपंथियों का साथ दिया और लिया, ये तरीका ठीक नहीं है, आपने क्या मैं आपको बता दूं, सारे पवन केड़ा सेपरेटिस्ट गवर्नमेंट चला रहे हो आप, जम्मू कश्मीर में आप कह रहे हो लेफ्ट, देखिए अमित जी तरीका ठीक नहीं है, पवन केड़ा एक एक करके जवाब दिया जाएगा,
एक एक करके देखिए, पवन खेड़ा आपने अपनी बात कह ली, अब सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड आप रखिए लीजिए, अपने अपनी बात कहिए। और एक वाक्य सिर्फ पूरा करूंगा, पवन खेड़ा जी ने कहा कि इन्होंने छत्तीसगढ़ का पूरा नेतृत्व खोया, 2013 की सुकमा घाटी की घटना, अरे पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा थी कि उसके पीछे कौन थे, इन्हीं की पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम था, वो कौन था, इनकी पार्टी का विधायक कवासी लखमा, तीन साल से आपकी सरकार है, अगर वो गिनती है तो एक्शन लीजिए, बच गया था उनके साथ, मोटरसाइकिल भी मिल गई थी, मोटरसाइकिल में लगी हुई चाबी हो गई थी, क्यों नहीं एक्शन लेते, अगर प्रमाण है तो आप भी एक्शन लीजिए, कौन रोक रहे हैं आप, दोनों राजनीति कर लीजिए, सरकार आप दोनों पॉलिटिक्स कर लीजिए सर, आप दोनों पॉलिटिक्स कर लीजिए, जो जिस जवान की बीवी ने अपना पति खो दिया है, जिस जवान की मां ने अपना बेटा खो दिया है, जिस जवान के बेटे ने बेटी ने अपना पिता खो दिया है, वो आज आप दोनों को देखकर कह रहा होगा किस देश के लिए, किस मुल्क के लिए शहीद हो क्या है, किस मुल्क के लिए शहीद हो क्या है, आज वो बोल रहे हैं कि आप जी पार्टी के लोग दूसरा करें कि दूसरे जवाब दीजिए, आप अपना जवाब दीजिए, क्या सीटा का शिकार है, सिंह ने शुरू करी पवन खेड़ा, सीटा सिंह ने शुरू करी, ये मौका था ये कहने का, ये मौका था ये कहने का, जमाने में इसमें सीटा का क्या कर रहे हैं जवानों की शहादत के ऊपर उसका जवाब दीजिए, अगर हमारा नहीं भी देना और आपकी सरकार में कोई कार्रवाई नहीं, 24 लोग 25 लोग मारे गए हैं, आप अजीब बातें करे जा रहे हैं सर, देखिए सर इन विजुअल्स को तो देख के, अरे भाई मैंने फैक्ट का जवाब दिया है, अरे क्या फैक्ट सर, देखिए दिख रहा है आपके पवन थोड़ी तो मर्यादा रख लीजिए, कम से कम उन आंसुओं पे तो चुप हो जाइए, उन आंसुओं पे तो चुप हो जाइए जो इस समय निकल रहे हैं लोगों के, बिल्कुल देखिए उन विजुअल्स को, वो विजुअल्स बहुत कुछ कहते हैं, मैं चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी को एक विंडो में काटा जाए, एक विंडो में पवन खेड़ा को रखा जाए, और वो विजुअल्स देखिए, ये विजुअल्स कुछ कुछ कह देते हैं, ये विजुअल्स बहुत कुछ कह देते हैं, ये विजुअल्स कहते हैं कि इस देश के अंदर जवान शहीद हो जाते हैं मुल्क के लिए हंसते हंसते, और उनका परिवार रोता है पीछे से, आज अब मैं पूछ रहा हूं कि कार्रवाई कब होगी, तो दिग्विजय सिंह का बयान आ जाता है कि बीजेपी के नेता मिले हुए हैं, और फिर सुधांशु त्रिवेदी कह देते हैं अजीत जोगी उधर से मिले हुए हैं, क्या हम इस देश के अंदर, क्या इस देश के अंदर हम नक्सलवाद को समस्या समझते भी है कि नहीं समझते, बड़ी बात तो यह है, क्या यह आतंकवाद की श्रेणी में हम रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते, इस पर ढुलमुल नीति क्यों है, बड़ा सवाल तो यह है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, लेकिन फिर भी यह सब कुछ हो रहा है, तो क्या इस पर अब सर्जिकल स्ट्राइक करने का वक्त नहीं आ गया, हम बात करते हैं चाइना पाकिस्तान की, हम बात करते हैं अफगानिस्तान की, हम बात करते हैं अमेरिका की, चाइना पाकिस्तान तो छोड़िए सर, सड़क बना रहे थे, पर डे की 2 किलोमीटर सड़क बनती है, आंकड़ा मैं बता देता हूं आप तमाम लोगों को, 2 किलोमीटर की सड़क बनती है पर डे के अंदर, वो सड़क तो बना नहीं पाए, हम चाइना से लड़ेंगे और पाकिस्तान से लड़ेंगे, कांग्रेस बीजेपी अपनी लड़ाई लड़ती रहे, अभी भी आप दोनों को अगर अपनी लड़ाई लड़नी है तो लड़ते रहिए, मैं यहां से नमस्कार कर देता हूं, मैं आपको लेके आना चाहता हूं एमएस बिट्टा इस डिबेट के अंदर, एंड दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू टुनाइट, 2 किलोमीटर की सड़क हम बनवा नहीं पा रहे वहां पर, और नक्सली आते हैं पीछे से वार करते हैं, हमारे जवानों को शहीद कर जाते हैं, और आप देख रहे हैं कैसी राजनीति चल रही है। देखो एक बात तो मैं, जो हमारी टेररिज्म के खिलाफ इतने सालों से लड़ाई है, एक बात तो स्पष्ट है, नोटबंदी के कारण टेररिस्टों की कमर टूटी थी, इसमें कोई शक नहीं है, और उस टाइम से लेके अब तक घटनाओं में काफ़ी ज़्यादा अंतर आया है। जहाँ तक सड़क का सवाल है, सबसे बड़ा जो नक्सलिज्म, सबसे बड़ा जो वहाँ पे है वो डेवलपमेंट, विकास वो नहीं था, कई सालों से शुरू से नहीं था, अब ये जो सड़कें बन रही हैं वहाँ पे, नक्सलाइटों की कमर तो टूटेगी, पर दूसरी तरफ यह सवाल है कि सीआरपीएफ के अभी तक डीजी नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रश्न और बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल है कि ऑपरेशन करने वाले सीआरपी के अंदर इतने बहादुर लोग हैं जो सीआरपी में भर्ती हुए, और वो जब छोड़ेंगे नौकरी सीआरपी से, वहां हम आईपीएस ऑफिसर को लगा देते हैं, या तो केपीएस गिल जैसा आईपीएस ऑफिसर हो जो हर चीज को जानता हो समझता हो। आपने 2 पॉइंट्स रखे, मैं केसी त्यागी का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूं। केसी त्यागी, आप सवाल खड़ा कर रहे थे कि नोटबंदी से कमर नहीं टूटी नक्सलियों की,
तो आप कब्र ना टूटने से खुश हैं ज्यादा या परेशान? मैं ऐसे नकारात्मक आपके ऐसे नकारात्मक सवालों का जवाब मेरे जैसे गंभीर आदमी के पास नहीं है कि मैं खुश हूं कि नहीं हूं। आप तो विद्वान बड़े भारी एंकर हैं, आपको पता है मैं एक दर्जन बार इस चैनल पर और हमारे अध्यक्ष 100 बार पब्लिकली कह चुके हैं कि डिमोनेटाइजेशन को हम सपोर्ट करते हैं, समझे ना। इसलिए ये सवाल, बुनियादी सवाल आपके जैसे एंकर को नहीं उठाना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, आपने एक अच्छा विषय चुना है बहस के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि इस पर कुछ गंभीर बहस हो, जिसका बिट्टा जी ने जिक्र किया है। एक तो 2 महीने से DG CRPF नहीं है, जो बहुत अफसोस की बात है। तीसरा, जो CRPF के जवान शहीद होते हैं या BSF के जवान भी शहीद होते हैं या CISF के जवान भी शहीद होते हैं, उनको बिट्टा साहब भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, उस तरह के शहीद का दर्जा नहीं मिलता है जैसा बॉर्डर के शहीद को मिलता। तो सिक्योरिटी चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, थ्रेट जो है परिवार के लिए एक जैसी होती है। तीसरा और महत्वपूर्ण जो है, मैं आज का दिन किसी पर आरोप लगाने का अमित जी मैं नहीं चुनना चाहता, लेकिन एक भी छत्तीसगढ़ पुलिस का जवान हताहत नहीं हुआ। जो शुरुआत में दी, जो सुबह दी, उस बाइट में ही आपने तो नोटबंदी का नाम लिया, आपने तो आरोप लगाया कि सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी, हमने तो आपने तो कटाक्ष करा ना, वो आपने कटाक्ष करा, आपने कटाक्ष ये करा कि नोटबंदी से तो कमर टूट गई थी, अब क्या हुआ? आपने कटाक्ष करा नहीं करा? आपका तो काम सर, आपका काम सरकार को डिफेंड करने का, मेरा काम सरकार को डिफेंड करना नहीं है, मेरा काम सरकार से सवाल पूछने का है। और मैं सुधांशु त्रिवेदी से सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा काम विपक्ष से भी सवाल पूछने का है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपसे भी सवाल पूछने का है। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौका दे दूं तो मैं बढ़िया एंकर, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है त्यागी साहब, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपको बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन सर्टिफिकेट पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लूंगा। आई एम गुड और बैड जर्नलिस्ट सर, माय व्यूअर्स गिव मी सर्टिफिकेट एंड आई हैव दिस सर्टिफिकेट। हाँ ठीक है, हम भी लेंगे, हम भी लेंगे। और दूसरा ये है, किसी एंकर को यह अधिकार मैं नहीं देता कि जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में बात काट कर तो अपना भाषण शुरू कर दे। मैंने कोई अप्रिय बात नहीं कही, आपने मेरी अच्छी बातों के बीच में बिना मतलब के इंटरवेंशन किया, मैं अपने पॉइंट पा रहा था। तीनों लोगों से पूछिए आप, आपको क्या जरूरत थी बीच में मेरी बात काटने की। जहां तक मेरा स्टेटमेंट है उस पर भी मैं आता हूं, केंद्र सरकार ने जब डिमोनेटाइजेशन किया सबसे पहली पार्टी हमारी थी, हमारी पार्टी पर यह तक इल्जाम लगा कि हम जो है क्या बीजेपी के साथ मिलने जा रहे, हम तो उन लोगों में से हैं, आपके सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। हमारा ये मानना था और है और रहेगा कि डिमोनेटाइजेशन से जो अतिवादी संगठन है उनकी कमर टूटेगी, हमारा विश्वास था जी जी। लेकिन कैसे जी, पिछले दिनों जम्मू कश्मीर, एक सेकंड, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा, मैं आपसे दोबारा जवाब ले लूंगा। अभी फिलहाल वक्त एक छोटे से अंतराल का हो गया, यानी ब्रेक का हो गया। सुधांशु त्रिवेदी, आई ऑल्सो गिव यू अ फेयर चांस टू मेक योर पॉइंट, क्योंकि मेरा सवाल का जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला कि सर्जिकल स्ट्राइक होगी कि नहीं होगी। पिछले 5 सालों में 5,960 घटनाएं कर चुके हैं नक्सली और करीब करीब लगभग लगभग 1910 जवानों को शहीद कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं, हम चाइना से लड़ सकते हैं, हम पाकिस्तान से लड़ सकते हैं, लेकिन अपने घर के अंदर इन नक्सलियों से कैसे लड़ा जाए। और वो लोग जो यूनिवर्सिटीज में बैठ के इनको गार्ड करने की कोशिश करते हैं, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? छोटा सा अंतराल और इस अंतराल के बाद आर पार और जोरदार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, सुधांशु त्रिवेदी है मेरे साथ, पवन खेड़ा है, केसी त्यागी है, एमएस बिट्टा है, आर के मल्होत्रा है और संजय सिंह मेरे साथ सामाजिक विश्लेषक जुड़ गए। लेकिन मैं क्विकली सुधांशु त्रिवेदी आपसे आता हूं, और 30 सेकंड का मतलब 30 सेकंड, क्या आपको लगता है नक्सलवाद को लेकर सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है, चाहे वो साउथ दिल्ली साउथ बॉम्बे में बैठे हुए लोग हो, चाहे वो नक्सलवादी हो, क्योंकि इस विचारधारा को बढ़ाने से भी नुकसान हो रहा है मुल्क का। देखिए, एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो पवन खेड़ा जी ने आंकड़ों की बात कही थी, तो आंकड़े पब्लिक डोमेन में है, आपकी सरकार के जमाने से लेकर हमारे जमाने तक किस वर्ष में कितने सुरक्षा बल के जवान की डेथ हुई और कितने नक्सलियों की,
तो उसको आप देख लीजिए, उसके बाद आप ये कहिए कि कौन गलत बोल रहा है। 2008 से 17,846 मौतें हुई। देखिए बहुत बड़ी समस्या है, छत्तीसगढ़ में 3,400 मौतें हुई। आंकड़े आपके सामने है, आपकी प्रायोरिटी क्या है आपके सामने है, क्योंकि एक पर्टिकुलर कॉम पे आपको हमला बोलना होता है तो आप कश्मीर करें घंटे वो भी नहीं संभाल पाते। 2010 में और आप गौरक्षक को नक्सल एरिया में और कश्मीर में दिखाए अपनी मर्दानगी, वहां अलवर और यहाँ दादरी में दिखा रहे हैं, जाए उनको भेजे और तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आपकी सर्जिकल स्ट्राइक पे तो हमने देख लिया क्या हुआ, उसके बाद सैनिक ठिकानों पर हमले हुए, आपसे वो नहीं संभल रहे, कश्मीर नहीं संभल रहा जहां आपने अलगाववादी के साथ सरकार बनाई हुई है, आपसे कुछ संभल रहा हो तो बताइए। 14 तक देख लीजिए, छत्तीसगढ़ से कश्मीर तक, खेतों से सीमाओं तक, हालत देखिए देश की, देश की हालत देखिए। ओके ओके ओके, होल्ड ऑन, भाषण दे रहे हैं, ओके पवन खेड़ा, होल्ड ऑन पवन खेड़ा, होल्ड ऑन, मेड यू पॉइंट पवन खेड़ा। मैं चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं धर्म कैसे बीच में आ गया, अब मैं बोल एक कौम कैसे बीच में आ गई, पवन खेड़ा इनकी प्रायोरिटीज दिख रही है, आपने कैसे बोला, सारी डिबेट इनकी, सारी डिबेट पवन खेड़ा करने के लिए, केसी त्यागी ने किसी धर्म का किसी को करने के लिए नहीं दिया, समाज को कैसे बांट सके, इनकी हर डिबेट समाज को बांटने के लिए है, मैं आपसे हर डिबेट इनकी समाज को बांटने के लिए, नक्सलवाद में आतंकवाद में कैसे लेकर आए, अरे आपने तो वो कैसे लेकर, आपने आपके चैनल ने दिखाया कि भाजपा के नेता कैसे नक्सलियों को हथियार दे रहे थे, वो क्यों भूल गए आप, पहले वो दिखाइए इन सुधांशु जी को, देखते हैं क्या जवाब देते हैं और कौन से आंकड़े लाते हैं। आप धर्म और कौम कैसे लेकर आए, मैं नहीं लाया ये लाते हैं, आतंकवाद की कोई धर्म हो सकता है, जब से आई है अमित जी हर डिबेट इनकी सिर्फ और सिर्फ समाज को बांटने के लिए, धर्म के आधार, ओके ओके ओके, हर डिबेट एक डिबेट उठा के देख लीजिए जो इस सरकार ने शुरू की हो, उसमें अगर बांटने की राजनीति नहीं, ठीक है आपने अपनी बात कह ली, सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड आपके पास है, अपनी बात लीजिए पवन खेड़ा, होल्ड ऑन, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। अच्छा छोड़िए, धर्म के आधार पे जिन्होंने देश को बांट दिया वो बांटने की बात करते हैं उसको छोड़िए, अब मैं वर्तमान पे आता हूं। आपका कोई रोल रहा, देखिए एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना चाहिए, हमारी सरकार बनने के बाद फिर बोलने लगे आप यार बीच में, हमारे धर्म का ठेका रखा भाई पवन जी आपने, आप देश का जिम्मा लीजिए ना धर्म का, देश का ठेकेदार आप रहे हैं 70 साल तक रहे हैं और 70 साल में देश की दुर्गति सबने देखी है, तो मेरे से बात करें नहीं तो फिर आप मत बुलाया कीजिए मुझे, 30 सेकंड वो बोले फिर 30 सेकंड आप बोलिए लीजिए, 30 सेकंड तथ्य पर आ रहा हूँ, आप आने दीजिए, तथ्य तो आप फेस नहीं कर सकते, आप गलत आंकड़े देते हैं, मैं आप जो आइडियोलॉजिकल कवर की बात कही, सुनिए की आदत है अमीर जी, आप मुझे कृपया बोलने दीजिए, आधार पे अपनी राजनीति चलाइए, लोगों को बेवकूफ बनाने की पूरा जिम्मा ले रखा है आपने, अरे कुछ तो संभाल के दीजिए, कश्मीर की हालत क्या हो गई, 30 साल पहले जो कश्मीर था मैं बोल लूं बुरा हो गया, अब साफ हो जाएगा कौन बेवकूफ बना रहा है, बात नहीं, ये भी इतिहास में जाएंगे तो हम इनके इतिहास में जाएंगे, ठीक है, और जो खो के लाएंगे ये जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं 15 सेकंड का ब्रेक लेता हूँ, 15 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूँ, मैं तुरंत वापस आ रहा हूँ 15 सेकंड का ब्रेक लेकर। सुधांशु त्रिवेदी आपका जवाब 20 सेकंड का आपके पास टाइम है, फिर बेटा साहब आप, नहीं भाई ये मुझे 20 सेकंड में नहीं बोलना है अमित जी, ये कोई बात होती है कि हमारी हर बीट पे वो दूसरे सेकंड में बोलते रहेंगे और फिर कहेंगे हम 20 सेकंड में जवाब दे दें, आप 20 सेकंड के लिए उनका माइक ऑफ करिए और अब मैं जवाब देता हूं। 2010 में अब सुनिए, जिस जमाने में नक्सलवाद में दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के जवान मारे गए, जेएनयू में मिठाइयां बांटी गई, क्यों, क्योंकि यूपीए की सरकार थी, कम्युनिस्टों का समर्थन था, किसी ने विरोध नहीं किया, यह आइडियोलॉजिकल कवर खतरनाक है। जब विनायक सेन को समर्थन था ही नहीं, हाई कोर्ट में सजा तो दी, भी नहीं मालूम है, सुप्रीम कोर्ट कम्युनिस्टों का समर्थन यूपीए 1 में था, यूपीए 2 में नहीं था, देखिए ये गलत बात है, यही तो कह रहा हूं मैं, गलत बात है, गलत तथ्य क्यों देते हैं, समर्थन दिया अभी, गलत तथ्य क्यों देने देते हैं, ऊपर क्यों गलत तथ्य देते हैं, उसके ऊपर आपने कार्रवाई की, गलत तथ्य नहीं, एकदम सही तथ्य बोल रहा हूं आपसे, कोई गोली चलाने की बात नहीं कर रहा विचारधारा पर, लेकिन अगर कोई नक्सलवाद को बढ़ावा देगा तो फिर आप काउंटर करिए, विचार से काउंटर किया जा सकता है, लड़के लेंगे आजादी तक, ठीक है, कश्मीर संभालिए, गोली चलाकर आजादी करेंगे क्या, गोली चलाकर आजादी करेंगे क्या, एक अंग्रेजी में कहावत है, ये तो मैंने फैक्ट रखे हैं ना, कौन से विनायक सेन का समर्थन किया था कि नहीं, बोलिए
2010 में कौन से कम्युनिस्ट ने हमारे साथ दिया हुआ था? यूपीए 1 में थे कम्युनिस्ट, यूपीए 2 में नहीं थे। अरे भाई, अरे आपने कोई कार्रवाई की थी? आपको नहीं थी। उल्टा उल्टा समर्थन करने के लिए राहुल गांधी वहां तक गए। गलत बात है। आपने हम नक्सलवाद पे सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, लेकिन नक्सलवाद विचारधारा को जन्म देने के बाद क्या हालत हुई है? देश के सरकारें बनाएंगे और अभी भी आपने पश्चिम बंगाल का चुनाव उनके साथ मिलकर लड़ा है। Okay. अरे आपने तो कई okay. कई बार उनका समर्थन लिया है। okay. आप मुझसे क्या बात कर रहे हैं? MS बेटा, कम ऑन। अरे भाई देखिए, समस्या क्या है? पवन खेड़ा जी किसने किसका साथ दिया? किसने किसका साथ दिया? आप दोनों मगर क्या क्या लड़ेंगे आपस में? एक दूसरे को ही टॉलरेंस दे रहे हम। ओके MS बेटा, एक बात मैं स्पष्ट कह दूं कि पंजाब में कोई आतंकवाद की कोई विचारधारा हो सकती है? आतंकवाद का धर्म हो सकता है? सीधा सवाल है मेरा, जवाब है तो दीजिए। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं पंजाब में, देखा हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, आतंकवादी आतंकवादी है। जहां तक गोली का है, इनका गोली का जवाब गोली ही चाहिए। आतंकवाद की कोई विचारधारा हो सकती है? सुनिए, इसका कोई धर्म नहीं, गोली का जवाब गोली ही चाहिए। कश्मीर की जहां तक बात है, कश्मीर में जनाब पैकेज दिए जाते थे, आज पैकेज नहीं दिए जाते। आए सड़कों पे, तकलीफ लोगों को होती है, तकलीफ सबको होती है, पर जवानों पे जब पत्थर फेंके जाते हैं, जवानों पे जब गोलियां चलती हैं, तो ह्यूमन राइट कहां जाता है? बातें होती हैं जो पत्थर फेंकते हैं उनकी हमदर्दी की बात होती है। नक्सलाइट हमारे जवानों को शहीद कर देते हैं और जो जवान उनको गोलियां मारेंगे उनके लिए ह्यूमन राइट आ जाते हैं। तो सवाल सबसे बड़ा ये, हम तो यहाँ एयर कंडीशन कमरों में बैठे हैं, जवान वहां गोलियां खा रहा है। नक्सलवाद की तो विचारधारा है, लेकिन देशभक्ति की विचारधारा नहीं है? देशभक्ति की कोई विचारधारा नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। संजय सिंह साहब, आप सामाजिक विश्लेषक हैं। कुमार संजय सिंह, आप सामाजिक विश्लेषक हैं। नक्सलवाद की तो विचारधारा है, लेकिन देशभक्ति की विचारधारा नहीं है, जवानों की विचारधारा नहीं है। दैट्स अ स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, बताइए। नहीं, सवाल पूछ रहा हूं मैं। हाँ, इस सवाल से आप क्या लेना चाह रहे हैं? क्योंकि ये तो आपने स्टेटमेंट दिया, ये तो क्वेश्चन नहीं है। ये आप इस पे अपनी राय रखी। नहीं देखिए, सवाल अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या नक्सलवाद से अगर राज्य टैकल करना चाहता है तो राज्य को और कठोर हो जाना चाहिए और अभिव्यक्ति के अधिकार को भी बंद कर देना चाहिए, तो मुझे लगता है ये गलत तरीका होगा। अभिव्यक्ति की आजादी, आप सुन तो लें भाई, अभिव्यक्ति की नहीं, आई हैव टू मेक अ पॉइंट। अभिव्यक्ति की आजादी में नक्सलवाद आप कैसे आता आप है? जवानों की जवानों को शहीद करा जाए, उस पे गोली चलाई जाए, गोलियां मार देते जवानों को, विचारधारा यही नक्सलाइटों की विचारधारा नहीं है। ये बर्दाश्त है, एक तरफ बच्चे जवान शहीद हो जाए, दूसरी तरफ मारने वालों के लिए अगर आप बोलने नहीं देंगे तो बात तो आएगी नहीं। आप बोली बोली और फिर दिल्ली दिल में बात रह जाएगी, फिर नासूर बनता है। आप बताइए, आप देखिए, सुन तो लीजिए भाई साहब, छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू होने के पहले गांधीवादी संगठनों पे हमला हुआ था, आपको याद होगा। स्कूल चल रहा था वहां जिसको उजाड़ दिया गया, उसके बाद गांधीवादियों ने एक शांति यात्रा निकालने की चेष्टा की थी, उस पर भी आपने हमला कर दिया। देखिए, ये बहुत शॉर्ट साइटेड होता है इस तरह का स्ट्रॉन्ग आर्म नेचर। हमला किसने किया? सरकार ने किया और किसने किया? पत्थर मारे गए थे उनको। बात तो अभी 25 जवानों की है, आप 25 जवानों आप जस्टिफाई कर रहे हैं सरकार। मेरा एक सवाल है, नहीं मेरा एक सवाल है, नहीं 25 जवानों के बारे में इनका क्या है? मैं बस टाइम नहीं है 25 जवानों के बारे में आप अपना विचार बताइए। उसका विचार क्या है? नहीं उसका विचार बताइए। ऑल दैट टाइम ट्राइंग टू से नो, एब्सोल्युटली नॉट। नहीं नक्सली, आप मुझे बोलने नहीं, अब आप बताइए मैं क्या बोलूं। नहीं आप जवाब देना, अपनी बात रख ली तो फिर मत बोलने। चलिए देखिए, अब टाइम ओवर हो जाएगा इसी बात में। मेरा सिटीजनशिप तो एकदम आजादी है, ये अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर आपको समाज में हिंसा रोकनी है तो आपको ऐसा माहौल बनाना होता है। हमारे जवानों को गोलियों से खाली कर दे। शुक्रिया, फिलहाल आर पार में इतना ही।
किसी को मारना, सेना के जवानों को मारना अभिव्यक्ति की आजादी बिल्कुल नहीं हो सकती, और सरकार को कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो सवाल सरकार पर भी सवाल खड़े होंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार, और अब आप देखेंगे हम तो पूछेंगे।